सैक्सन सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 30 क्वेश्चंस इन दिस सेशन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 31, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। हमें सेंटेंस में स्ट्रक्चर के हिसाब से करेक्ट सेंटेंस बताना है। Why did she write the letter? Why did she wrote the letter? Why did she written the letter? Why had she wrote the letter? तो A, B, C तीनों past simple tense के हैं, WH word interrogative sentence हैं, और interrogative sentence में did auxiliary verb के साथ आपका verb की first form आती है। तो A is the right answer. Speaks English fluently. The correct passive form of the sentence will be English is spoken by her fluently. English has been spoken by her fluently. English is spoken by her fluently. English was spoken by her fluently. So the active voice is in simple present tense. She speaks English fluently. Then the right answer is C. English is spoken by her fluently. This is the right answer. Next, which of the following contain the word beginning with the same consonant sound? Consonant sound देखना है, Chicago, chorus, इनमें consonant sound same नहीं है, cherish, charisma, यहाँ भी नहीं है, china, chrome, C में भी नहीं है, check and chin, chin. D is the right answer. Which of the following contain the same vowel sound? Vowel sound hook, brook, luck. यहाँ पर luck में sound same नहीं है. Win, V, C. यहाँ पर win का sound different है. Cat, bat, and mat. Lead, leak, break. तो आपको समझ में आई क्या होगा? बी द राइट आंसर, कैट, बैट एंड मैट। चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइंड साउंड ऑफ द वर्ड बॉय। बॉय तो देयर आर 34 साउंड्स इन इंग्लिश, लेटर्स 26 हैं। बॉय का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा ए नंबर, बॉय। यस, बॉय। यहाँ पर ओ ही आपका डिप्थंग है। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग का प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, या लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, देन राइटिंग, या रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे पहला है आपका कि आप किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह सुने, लिसनिंग करें उसकी। उसके बाद आता है आप स्पीकिंग, फिर उसे आप रीडिंग करें एंड देन राइटिंग करें। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। डॉट डॉट इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। ए पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने का क्या, कौन सी चीज अप्लाई होती है? द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। डी द राइट आंसर, प्रिंसिपल सिलेक्शन इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर। विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? इंग्लिश टीचिंग का क्लासिकल मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बिलिंगुअल मेथड, ऑटो लिंगुअल मेथड। बी द राइट आंसर, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड।
इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हु डेवलप्ड बिलिंगुअल मेथड, बिलिंगुअल मेथड को जिसने डेवलप किया, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर सी जे डॉटसन, प्रोफेसर एस हॉर्नबी, प्रोफेसर जेस्परसन। प्रोफेसर सी जे जॉटसन डेवलप्ड बिलिंगुअल मेथड। इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इंसिडेंटली इन द क्लास, किस अप्रोच से? स्ट्रक्चरल अप्रोच, मल्टी लिंगुअल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, मल्टी मीडिया अप्रोच। तो ये द राइट आंसर। स्ट्रक्चरल अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स इंसिडेंटली इन द क्लास। What is the purpose of writing at elementary level? Development of motor skill, discrimination of the word, taking notes, initiation conversation. So, is the right answer. Development of motor skill. Which technique of reading is used to look for a specific piece of information? स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? तो लाइब्रेरी रीडिंग, नो, स्ट्रीमिंग, ओरल रीडिंग एंड स्कैनिंग। देन डी द राइट आंसर। स्कैनिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग? लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग क्या है? द अल्फाबेटिकल मेथड, द फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड, द सेंटेंस मेथड। वर्ड मेथड इज लुक एंड सी मेथड ऑफ रीडिंग। वर्ड मेथड, लुक एंड सी मेथड को वर्ड मेथड कहते हैं। डॉट डॉट है द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ए फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। किसका यूज किया जाता है? पिक्चर चार्ट, फिल्म स्प्रेड, ब्लैक बोर्ड एंड स्लाइड। नेक्स्ट, डैस हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ए फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पजेस। पिक्चर चार्ट्स, फिल्म स्प्रेड, ब्लैक बोर्ड एंड स्लाइड्स। Then, blackboard has the advantage of providing the focal point of attention for the whole class and can be used for the variety of purposes. See the right answer. Which is not a characteristic of a good textbook? Good textbook की क्या अच्छी विशेषता नहीं है? Adequate subject matter होना चाहिए, suitable structure होनी चाहिए, suitable vocabulary, vocabulary भी सही होनी चाहिए, frequently misspelled word, spelling misspelled नहीं होनी चाहिए। डी द राइट आंसर। यहाँ पर नोट लगा, इस बात का ध्यान रहे। विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड? साउंड के लिए स्टूडेंट को किस तरह की रीडिंग करनी चाहिए, किस तरह का टेस्ट कंडक्टेड होना चाहिए स्टूडेंट के लिए? रीडिंग टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट एंड राइटिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। इज द राइट आंसर। डैश टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। ए ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्टिव, सब्जेक्टिव एंड प्राइमरी। देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। इज द राइट आंसर। फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ एवेल्युएशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ गुड क्राइटेरिया ऑफ रिजल्ट, रोट मेमोरी, मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग एंड इमिटेशन। देन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ एवेल्युएशन। See the right answer. In which category does the use of inappropriate word fall? Spelling error,
लैक्सिकल एरर, स्ट्रक्चरल एरर, ग्रामेटिकल एरर। बी द राइट आंसर, लैक्सिकल एरर्स इन दिस कैटेगरी द यूज ऑफ अन इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर्म। नेक्स्ट, लैंग्वेज शुड एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज, लैंग्वेज एरर को करेक्ट करना चाहिए जब हमारा उद्देश्य होता है ऑबटेनमेंट, एक्विजिशन, एक्सेशन एंड लर्निंग। जब हमारा उद्देश्य लर्निंग का हो तब हमें लैंग्वेज एरर को करेक्ट अवश्य करना चाहिए। एंडरसन ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 to 55, देयर इज ए पैसेज एंड इट हैज ए फाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ आई एम रीडिंग डायरेक्टली 51 क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द पैसेज। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव टेस्ट विच मीन्स ह्यूज एंड स्प्लेंडेड, क्रीट, रॉज, ग्रैंड एंड सिंगिंग। ह्यूज एंड स्प्लेंडेड मीन्स ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स विशाल। द अपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का अपोजिट बताना है। याद आ रहा है कि निजी मिर्जिल इंडियन राइटर हैं, इन्होंने माई मदर लिखा है, उसमें मदर की क्वालिटी जब लिखी है तो उसमें मदर फादर में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दो वर्डों का यूज किया गया है। अट्रैक्टिव का अपोजिट रिपल्सिव। विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ट डिवोटीज, डिवोटीज स्पेलिंग मिस्टेक है सब में, तो डिवोटीज राइट स्पेलिंग इज डी डी ई वी ओ टी डबल ई एस, डिवोटीज। द वर्ब इंजॉयड कैन गिव अस द नाउन, इंजॉयड वर्ब है, इसका हमें नाउन बताना है, तो एम ई एन टी लगा के हम नाउन बना सकते हैं, इंजॉयमेंट। ए वी एल ई से एडजेक्टिव बनता है, इंजॉय आपकी वर्ब है, इंजॉयड आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, नॉट ए नाउन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेस्ट विच मीन्स एन इवेंट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड, पब्लिक एंटरटेनमेंट और ट्रेड क्या होता है आपका मालूम है, यह सबको सिंपल सा क्वेश्चन है, फेयर, मेला। सेम फाइव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 56 to 60। आई एम रीडिंग डायरेक्टली क्वेश्चंस विद रीडिंग द पैसेज। द वर्ड शिटल एंड वीटल्स आर, शिटल एंड वीटल्स आर क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब हैं, नाउन्स हैं एंड प्रोनाउंस हैं। तो वीटल एंड शिटल दे आर द नाउन्स। द पुलिस देन बीट अप नाना भाई सीवियरली, द वर्ब बीट अप इज इन, बीट अप इज इन, बीट अप का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेम रहता है, बीट बीट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज बीटन। तो इसका बी द राइट आंसर, सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा है, बीट अप। सी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद द स्ट्रोक ऑफ द सिकल, द वर्ब कट इज इन, कट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 degree ऑफ द एडजेक्टिव्स इन दियर करेक्ट फॉर्म, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, एंग्री, मोर एंग्री, मोस्ट एंग्री, एंग्री, मोर एंग्रली, मोस्ट एंग्रली, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। तो एंग्री वर्ड हैज ओनली अ वन सिल्बी एंड व्हेन अ वर्ड हैज अ वन सिल्बी वी मेक मोस्टली इट्स डिग्री बाई एडिंग ई आर एंड ई एस टी। देन 59 का आपका ए इज द राइट आंसर, एंग्री, एंग्रियर एंड एंग्रीएस्ट। नेक्स्ट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ए डिटरमाइनर इन ए, इसमें डिटरमाइनर किस में है, द पुलिस देन बीट अप टू केम अवे ही फेल अनकॉन्सियस। तो ए द राइट आंसर, द आपका डिटरमिनर्स है, ई एन द सम एनी मच मैनी फ्यू लिटिल ऑल आर द डिटरमिनर्स। तो द ए इज द राइट आंसर, द पुलिस।